हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड नहीं करोगे क्या? बेटा मैं आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है। मम्मा आपकी पेरेंट टीचर अटेंड करेगी। लेकिन पापा, सबके मम्मा पापा दोनों आते हैं और आप कभी नहीं आते। अरे बेटा, अगर मैं आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करने बैठ जाऊंगा तो ऑफिस कौन जाएगा, ऑफिस का काम कौन चलाएगा और पैसे कौन कमाएगा? आपको पता है ये घर चलाने के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं, आपकी स्कूल फीस, दुनिया भर के खर्चे, मैं ये सब नहीं कर सकता। पुनीत तुम अटेंड कर लेना। ठीक, कोई बात नहीं बच्चों, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करूंगी। डोंट वरी, मैं करूंगी। मिसेस पुनीत, मैं आपके साथ एक गुड न्यूज शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा बताइए ना मैम। अनन्या के पापा नहीं आए मीटिंग के लिए, मैंने सोचा था दोनों पेरेंट्स के साथ ये न्यूज शेयर करूँगी। अरे नहीं मैम, उनको ऑफिस में इतना काम रहता है, टाइम ही नहीं मिल पाता है। अच्छा एनीवे, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अनन्या ने क्लास में टॉप किया है, कंग्रेचुलेशन। ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज है मैम। अनन्या को हम अवार्ड देना चाहते हैं, पर आपको स्कूल से आकर कलेक्ट करना होगा। कोई भी आपके अवार्ड कलेक्ट कर सकता है। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। वाओ अनन्या, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा जी। लेटर। शनाई की टीचर का फोन आया था, ये सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी है, बस सिर्फ थोड़ी मैथ्स में कमजोर है। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, ट्यूशन लगवा दो ना उसकी। रमनी, ट्यूशन की क्या जरूरत है, आप मैथ्स में इतने अच्छे हो, आप क्यों नहीं पढ़ा देते उसको? हाँ पापा, मेरी एक फ्रेंड है ना सिया, उसके पापा उसे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देते हैं, और आप भी मुझे मैथ्स पढ़ा दो ना। अरे शनाय, तुमको पता है मैं ऑफिस जाता हूँ, इतना काम रहता है, इतना प्रेशर है मेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीजों का। रमनी, अगर आप इसको रोज आधा घंटा भी पढ़ा दो तो बस हो जाएगा। देखो बोली, मेरा काम है ऑफिस जाना, पैसा कमाना और इस घर का पूरा खर्चा उठाना। तुम घर रहती हो, बच्चों की परवरिश, बच्चों की पढ़ाई तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो ठीक है फिर, मैं शनाय को ट्यूशन ज्वाइन करवा देती हूँ, क्योंकि मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है। और पापा, आपको पता है मैं क्लास में टॉप हुई हूँ और मेरे को अवार्ड भी मिलेगा। इसके टीचर का फोन आया था, वो बहुत अप्रिशिएट कर रही थी इसको और अवार्ड की बात भी करी उन्होंने। अरे वाह, शाबाश बेटा। पापा, तो आप मेरे स्कूल से अवार्ड ले आओगे? हाँ मैं? अरे इनका बच्चों का स्कूल आपके ऑफिस के बहुत पास है, आप लेते आना। अरे ठीक है यार, मैं ले आऊंगा, लेकिन मुझे याद दिला देना। ओके ठीक है। Later. Hi, रानी, तो क्या कर रही है? Hi, शनाया, मैं तो अपने मामा पापा के साथ गेम्स खेल रही हूँ। तेरे पापा भी तेरे साथ गेम्स खेलते हैं? हाँ, पापा तो रोज मेरे साथ खेलते हैं, कभी लूडो, कभी चेस, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। शनाया जी, आप भी हमारे साथ खेलो ना, हम पापा को भी अपने साथ खिलाएं। पापा पोका खेलते हैं हमारे साथ। लेकिन मेरे सारे फ्रेंड्स के पापा उनके साथ खूब खेलते हैं, तो हमारे पापा क्यों नहीं? चलो पापा से एक बार पूछ लेते हैं। पापा, आप क्या हमारे साथ खेलोगे? बेटे, ये खेलना वेलना, ये गेम्स वेम्स मेरे बस की बात नहीं है। बेटा ये फालतू की जिद मेरे साथ मत करो, मेरे पास ये खेलने वेलने का टाइम नहीं है, मेरे को ऑफिस का बहुत काम रहता है। पापा पर सबके पापा उनके साथ खेलते हैं, तो आप क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है इन सब फालतू कामों के लिए। लेते ना थोड़ी देर बच्चों के साथ। ये पुनीत, ये वेले काम में मेरे को मत लगाया करो, ये सब गेम वेम, ये बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये क्वालिटी टाइम, ये सब तुम्हें ही सूट करता है भाई, तुम किया करो उनके साथ।
मेरे को जरा मैच का स्कोर देखने दो। The next day, अरे पुनीत, हाँ जी, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। पापा पापा, एक सेकंड, मैं अवार्ड ले आना स्कूल से। अरे बेटा मुझे याद है, मैं ऑफिस जाते जाते समय पिक कर लूंगा। ओके ठीक है, मैं निकल रहा हूँ। Later that same evening. पापा पापा, मेरा अवार्ड! अरे अनन्या, आज मुझे बहुत काम था, मेरे को फोन पे फोन आ रहे थे, मेरे को स्कूल जाने का टाइम ही नहीं मिला। पापा पर आपने तो प्रॉमिस किया था ना कि आप मेरा अवार्ड लेकर आओगे। अरे प्रॉमिस क्या होता है, मैंने कुछ स्टैम्प पेपर पे आपको लिख के थोड़ी दिया था, मेरे को इतना काम रहता है, मेरे को ऑफिस से फोन पे फोन आ रहे थे, कल अगर टाइम मिला तो कल ले आऊंगा। The next day, अरे पुनीत, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, सुनो रानी, तो आज अनन्या का अवार्ड लेते आना इसके स्कूल से। अरे बाबा याद है मुझे, ले आऊंगा। ठीक है। Later that same evening. रमीक, अनन्या का अवार्ड लाए? अनन्या के अवार्ड के चक्कर में आज पूरा दिन खराब हो गया। मतलब? मतलब ये कि मैं इतनी मुश्किल से टाइम निकालकर अनन्या के स्कूल पहुंचा, और वहां स्कूल जब मैं पहुंचा तो मुझको याद ही नहीं आ रहा था कि अनन्या कौन सी क्लास में है, और मैंने इतनी सारी टीचर से पूछा, किसी को इसका नाम तक मालूम नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये फालतू के काम मेरे से मत कराया करो, मैं पूरा दिन स्कूल में इधर उधर घूमता रहा हूं, और मेरा ऑफिस का भी नुकसान हो गया, और ये भी फालतू काम नहीं हुआ। रमीक, बच्चे को अवार्ड मिला है, आप कह रहे हो ये फालतू के काम है, और आप कैसे फादर हो, और आपको ये नहीं पता आपकी बच्ची कौन सी क्लास में है। आपको तो हमारे काम फालतू ही लगेंगे ना, ना ही आप हमारे कोई फंक्शन में आते हो, ना ही पीटी अटेंड करते हो, आपको तो कुछ भी नहीं पता आपकी बेटी कौन सी क्लास में है। आई हेट यू अनन्या, ये क्या बदतमीजी है। आई हेट यू अनन्या।